हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रशिका, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, जो कि एम लक्ष्मीकांत की है। और तो इसमें काफ़ी लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट हमारी चल रही है, काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। मनी बिल, फिनेंशियल बिल में डिफरेंस अच्छे से देख चुके थे, अब आगे और भी चीज़ें देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जॉइंट सिटिंग के बारे में, कि दोनों हाउसेस में जॉइंट सिटिंग होती है। तो जॉइंट सिटिंग के प्रोविजंस के बारे में डिटेल देखते हैं। जॉइंट सिटिंग एक आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये प्रोवाइड किया गया है कि जो भी आपका यहाँ पे डेडलॉक अकर होता है, यानी जो लोकसभा में आपका कोई भी बिल पास नहीं हो पाता किसी बात के लिए, यहाँ पे आपका एक अटक जाता है बिल, या फिर राज्यसभा में किसी बात के लिए अटक जाता है, तो फिर इन दोनों हाउसेज़ को एक जगह बुलाया जाता है, दोनों हाउसेज़ के मेम्बर को, और वही आपका जॉइंट सिटिंग होता है। तो दोनों हाउसेज़ के बुलाया जाता है जस्ट बिकॉज़ कि बिल को पास करने के लिए। एक डेडलॉक जो है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि तीन सिचुएशन में होती है बिल के जाने के बाद। और या तो ये एक हाउस से पास हो गई, दूसरे हाउस में चली गई, तो ये आपका तीन सिचुएशन में होता है। पहला होता है कि या तो एक बिल को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाए दूसरे हाउस से, या तो यहाँ पे लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा में रिजेक्ट कर दिए, तो फिर आपका जॉइंट सिटिंग होगा। सेकंड यहाँ पे बात ये है कि अगर यहाँ पे हाउस फाइनली डिसएग्रीड हो जाए कि यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं करना है इस बिल में, तो फिर यहाँ पे आपका जॉइंट सिटिंग होगा। थर्ड है कि अगर यहाँ पे 6 मंथ से ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे जब से ये रिसीव किया गया है बिल, तो 6 मंथ से ज़्यादा भी इलैप्स हो गया यहाँ पे दूसरे हाउसेस के द्वारा बिना किसी बिल को पास किए हुए, तो भी यहाँ पे आपका जो है जॉइंट सिटिंग होगा। मैक्सिमम टाइम जो है बिल को पास करने का वो 6 मंथ होता है। अगर 6 मंथ में कोई भी बिल यहाँ पर पास नहीं होती है, तो उसको फिर जॉइंट सिटिंग के हिसाब से उसको पास कराया जाता है। तो इन तीनों सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है वो बुलाते हैं दोनों हाउस के मेंबर को, और वो जॉइंट सिटिंग यहाँ पे अरेंज कराते हैं, जिसमें कि वोटिंग होती है बिल के ऊपर। और यहाँ पे नोट करना है कि जो प्रोविजंस आपका जॉइंट सिटिंग का है ना, ये आपका ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के लिए होता है। मनी बिल के लिए कभी भी आपका जॉइंट सिटिंग नहीं होता है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए होता है। मनी बिल के केस में देखेंगे तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, तो यहाँ पे आपका मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि राज्यसभा के पास तो खाली 14 डेज के लिए जाता है। उसके बाद अगर राज्यसभा यहाँ पे रिकमेंडेशन दे, कुछ भी दे, तो वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको माने या ना माने। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी जो है आपके हर एक हाउस से अलग अलग पास किया जाता है, तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं बनती कि यहाँ पर भी आपका डेडलॉक हो जाए। तो यहाँ पे जो आपका 6 मंथ होता है, तो यहाँ पे कोई भी आपको देखने को मिलेगा कि इस पीरियड के दौरान अगर दूसरे हाउस यहाँ पे आपका प्रोरॉग हो गई, फिर एडजोन कर दिया गया 4 कंसेक्यूटिव डे के बाद, तो यहाँ पे 6 मंथ जो है उसको नहीं काउंट किया जाएगा, उस डे को और एक्सटेंड किया जाएगा। अगर यहाँ पे बिल ऑलरेडी लैप्स हो गया है, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा आपकी डिजॉल्व हो चुकी है, तो कोई भी यहाँ पे जॉइंट सिटिंग जो है नहीं बुलाया जाएगा। जॉइंट सिटिंग यहाँ पे तभी होगी जब लोकसभा यहाँ पे डिजॉल्व हो गया, जब आपका प्रेसिडेंट यहाँ पे नोटिफाई कर दिए। नोटिफाई करने के बाद यहाँ पे लोकसभा अगर आपकी डिजॉल्व हो गई, तब आपकी यहाँ पे जॉइंट सिटिंग होगी। और जब यहाँ पे प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं यहाँ पे जॉइंट सिटिंग के समन के लिए दोनों हाउसेस के पास, तो कोई भी हाउस जो है ना यहाँ पे आपका फर्दर प्रोसीड कर सकती है, फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकती उस बिल के साथ। ओके, यानी कि अगर एक बार प्रेसिडेंट बोल दे कि अब इसमें जॉइंट सिटिंग होगा और जॉइंट सिटिंग के हिसाब से ही इस बिल को पास किया जाएगा, तो दोनों में से कोई भी हाउस जो है ना उस बिल को लेकर फर्दर कोई भी प्रोसीड नहीं कर सकती है। जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो इस जॉइंट सिटिंग को यहाँ पर प्रिसाइड करते हैं। दोनों हाउस के मेंबर होते हैं, और दोनों हाउस में जो आपके डिप्टी स्पीकर होते हैं, अगर यहाँ पे आपके लोकसभा के स्पीकर अगर एब्सेंट हो गए, तो इसको फिर कौन इसको प्रिसाइड करते हैं, तो डिप्टी स्पीकर करते हैं। अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है, तो यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं वो यहाँ पे प्रिसाइड करते हैं। चेयरमैन राज्यसभा के नहीं करते, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे इंडिया के, तो उनको ये वाला पद नहीं दिया गया है, उनको ये वाला हक नहीं दिया गया है। ओके, तो ये याद रखना, आपको हायरार्की याद रखना है, स्पीकर या तो डिप्टी स्पीकर या तो डिप्टी चेयरमैन। ओके, अगर यहाँ पे वो भी एब्सेंट है, तो इस तरीके एक तरीके के पर्सन को यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है मेंबर के द्वारा, जो कि यहाँ पे जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करा सके। तो यहाँ पे क्लियर है कि चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं, वो यहाँ पे प्रिसाइड नहीं करते हैं जॉइंट सिटिंग के ऊपर, क्योंकि वो यहाँ पे मेंबर नहीं होते, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, और जॉइंट सिटिंग वही ये करा सकते हैं जो हाउस के मेंबर होते हैं। तो स्पीकर लोकसभा के मेंबर होते हैं, इसलिए स्पीकर यहाँ पे कराती है। जो कोरम है कि जॉइंट सिटिंग पूरा हो जाए, तो वो 1/10 है जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है दोनों हाउसेज के होते हैं, यानी दोनों हाउसेज के मेंबर। अगर आप जानते हो कि कोरम लोकसभा में कितना होती है, तो 55 है। वहीं अगर राज्यसभा की कोरम की बात करें, तो 25 है। तो यही अगर दोनों को मिला दिया जाए, तो टोटल जो है आपका 80 मेंबर होना चाहिए, तभी आपके जो है यहाँ पे जॉइंट सिटिंग चलेगा। अगर यहाँ पे बिल जो है डिस्प्यूट है और ये पास हो गया मेजोरिटी के साथ, जितने भी टोटल मेंबर यहाँ के दोनों हाउसेस के प्रेजेंट और वोट कर दिए जॉइंट सिटिंग में, तब क्या होगा कि बिल यहाँ पे पास कर दिया जाएगा। मान लिया जाएगा कि बिल यहाँ पे दोनों हाउसेस से पास हो गया, और जो लोकसभा है ना, उनके पास ग्रेटर नंबर होंगे कि वो इस बैटल को जीत जाएंगे। यानी जॉइंट सिटिंग की जो बैटल है, यानी कि यहाँ पे एक लड़ाई है ना कि दोनों हाउसेस में डेडलॉक हो गई, अगर बिल पास हो गया तो यहाँ पे लोकसभा जीत जाएगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि जॉइंट सिटिंग होगी, और न्यू अमेंडमेंट जो बिल
बिल है ना वो यहाँ पे प्रपोज नहीं किया जाएगा दोनों केसेस में। तो दो केसेस है जहाँ पे न्यू अमेंडमेंट यहाँ पे प्रपोज नहीं किया जाएगा, ये नहीं वो सारे अमेंडमेंट जो यहाँ पे फाइनल डिसएग्रीमेंट देते हैं, यानी दोनों हाउस के बीच में फिर से डिसएग्रीमेंट हो जाएगी, एग्रीमेंट की बात नहीं होगी, डिसएग्रीमेंट लेकर आएंगे, तो उस तरीके का यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं होगा। फिर वो सारे अमेंडमेंट जो यहाँ पे नेसेसरी होंगे लेकिन ये पास बिल को पास करने के लिए डिले कर दिया जाएगा, तो फिर वो अमेंडमेंट को भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। 1950 से देखें तो जो प्रोविजंस है जॉइंट सिटिंग को लेकर, यानी दोनों हाउसेस में जो जॉइंट सिटिंग होती है वो अब तक तीन बार हुई है, तीन बार हुई है और तीन बार में आपका जो बिल पास हुआ है वो आपको याद रखना है। फर्स्ट है कि डोरी प्रोहिबिशन बिल जो कि 1960 की थी, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल जो कि 1977 की थी, फिर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल जो कि 2002 की थी। तो ये तीन बिल अब तक हमारे यहाँ पास हुई है जॉइंट सिटिंग में। ओके, तो जॉइंट सिटिंग की पूरी प्रोविजंस आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं जो कि है बजट इन पार्लियामेंट। बजट हमारे यहाँ जो है हर एक साल यहाँ पे लाया जाता है, तो अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जो है ना वो उसको हम लोग रेफर करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बजट वर्ड नहीं दिखेगी, इसको हम लोग कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो टर्म है बजट का वो कभी भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिखेगी। ये पॉपुलर नाम है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कि आर्टिकल 112 के अंडर में रखा गया है, यानी अगर आपसे पूछे कि बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्लेस है, तो आर्टिकल 112 में। जो बजट है वो एक तरीके का स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे एस्टिमेट करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी रिसिप्ट और कितनी एक्सपेंडिचर होने वाली है उस फाइनेंशियल ईयर में। और जो स्टार्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च में ख़त्म हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे एस्टिमेट लगाया जाता है कि कितना रिसिप्ट होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा। और जो बजट है वो आपका यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स भी शो करती है। तो बजट में कुछ इस तरीके के एलिमेंट होते हैं जो कि आप देख लीजिए। फर्स्ट है यहाँ पे कि एस्टिमेट लगाया जाता है कितनी रेवेन्यू होगी, कितनी कैपिटल रिसिप्ट होगी। सेकंड है कि वेज़ एंड मींस, जिसके थ्रू जो है यहाँ पे रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया जाता है। तो ये आपका वेज़ एंड मींस जो है ना, ये आपका आरबीआई के थ्रू जो है गवर्नमेंट लेते हैं, यानी यहाँ पे आरबीआई से गवर्नमेंट कुछ पैसा लेते हैं जिनके थ्रू वो अपनी रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। तो ये वेज़ एंड मींस होती है। और ये वेज़ और मींस जो है ना आपका रेपो रेट के तरफ पे इतने इंटरेस्ट रेट पे चार्ज किया जाता है गवर्नमेंट पे। एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर लगाया जाता है कि कितने खर्चे एक साल में होंगे, साथ ही यहाँ पे डिटेल दिया जाता है कि एक्चुअल रिसिप्ट क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है, जो भी क्लोजिंग आपका फाइनेंशियल ईयर यानी लास्ट ईयर। इस बार अगर आप समझ लो कि 2018-19 का जो बजट आया था तो उसमें आपका देखा जाता है कि 2017-18 में कितना जो है आपका एक्सपेंडिचर हुआ था। और साथ ही रीज़न भी दिया जाता है कि अगर डेफिसिट हो गया या फिर कुछ ज़्यादा खर्च हो गया या कम खर्च हुआ, तो उसका भी आपको यहाँ पे रीज़न देना होता है गवर्नमेंट को कि क्यों इतना खर्चा हुआ। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी जो भी नेक्स्ट ईयर आने वाली है वो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। और टैक्सेशन प्रपोजल को भी रखा जाता है, रेवेन्यू का क्या प्रोस्पेक्ट है वो भी रखा जाता है, और गवर्नमेंट किस किस प्रोग्राम में कितना खर्च करेगी और कितने न्यू प्रोग्राम यहाँ पे और स्कीम लॉन्च करेगी, वो सारी चीज़ें बजट में रखी जाती है। तो ये आपका 5 पॉइंट है जो कि बजट के अंदर में आती है। अब है कि यहाँ पे जो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो दो बजट यहाँ पे लेकर आती है, एक आपका आता है रेलवे बजट और जनरल बजट। तो ये आपका दो बजट आता था लेकिन अब जो है इसको मर्ज कर दिया गया है, लास्ट ईयर इसको मर्ज कर दिया गया था रेलवे बजट और जनरल बजट को। तो जो रेलवे बजट है ना इसमें आपका एस्टिमेट लगाया जाता था कि कितना आपका रिसिप्ट होगा, एक्सपेंडिचर होगा, जो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में होगा। और जो आपका जनरल बजट होता था उसमें एस्टिमेट लगाया जाता था कि कितना खर्चे होंगे, कितना आपका रेवेन्यू आएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में होती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अलावा। यानी रेलवे मिनिस्टर जो है यहाँ पे आपका जनरल बजट से अलग हुआ था 1921 में, और ये रिकमेंडेशन आपका दिया गया था एक्वार्ड कमेटी के द्वारा। तो एक्वार्ड कमेटी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका रेलवे बजट को अलग किया गया था जनरल बजट से, 1921 में अलग किया गया था, लेकिन फिर इसको अभी यहाँ पे मर्ज कर दिया गया। तो भी आपको पता होना चाहिए कि रेलवे बजट था तो क्यों था, कैसा था, किस लिए था। ओके, तो रीज़न है और ऑब्जेक्टिव है कि क्यों इसको अलग किया गया था। तो इसमें क्या था कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा रेलवे फाइनेंस को, रेलवे जो कि हमारे इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि सोर्स है, जो कि हमारे सर्विस के लिए है, प्रोडक्शन के लिए है। तो इसलिए रेलवे को एक खास से इंपॉर्टेंस देने के लिए, एक खास तजुर्बा देने के लिए इस रेलवे बजट को अलग रखा गया था। इसमें जितनी भी बिजनेस अप्रोच है उसको फैसिलिटेट किया जाएगा, साथ में इसमें स्टेबिलिटी भी रखी जाएगी, जो जनरल रेवेन्यू आपका आता है किसी भी एश्योर्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन से जो कि रेलवे रेवेन्यू से आता है। यहाँ पे रेलवे को अनेबल किया जाएगा कि वो प्रॉफिट उठा सके अपने खुद के डेवलपमेंट से। ओके, तो जो वो अपने खुद का डेवलपमेंट करेंगे उसमें से वो प्रॉफिट भी उठा पाएंगे, इसलिए रेलवे बजट को अलग किया गया था। ओके, अगर अगस्त 2016 में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड की थी कि वो यहाँ पे मर्ज कर देगी जनरल बजट को और आपका रेलवे बजट को। इस पर्पज़ से क्या हुआ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे 5 मेंबर कमेटी बनाए थे, जिसमें कि ऑफिशियल आपके दोनों के थे, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी थे और रेलवे मिनिस्ट्री के थे, जो इस तरीके के वर्क को आगे अंजाम दे रहे थे कि यहाँ पे इसको मर्ज करना है कि नहीं। तो फिर ये मूव आपका डिस्कार्ड हो गया और एज ओल्ड प्रैक्टिस जो है, यानी अलग अलग से, यानी आपका रेलवे बजट और जो आपका सेपरेट बजट है वो आपका चलते आया।
तो अब ये बजट आपका मर्ज हो गया है और ये आपका रेलवे बजट जो है मोदी गवर्नमेंट का जनरल जो रिफॉर्म एजेंडा है उसका ये पार्ट है। तो 2016 में इसको मर्ज कर दिया गया था और ये आपका कमेटी याद रखना है जो कि आपका है एक्वाड कमेटी। ओके, तो कमेटी का नाम आपको याद रखना है जिसके थ्रू ये हम लोग यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करने का ये रिकमेंडेशन दी थी। तो फाइनली 2016 में जाके इसको मर्ज किया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ प्रोविजंस दी गई है जो कि बजट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे हर एक फाइनेंशियल ईयर में वो जो है बजट रखेंगे दोनों हाउसेस के सामने, यानी ये आपका जो है प्रेसिडेंट को ऐसा हक दिया गया है कि वो दोनों हाउसेस के सामने यहाँ पे आपका जो है फाइनेंशियल ईयर में वो अपना बजट रखेंगे, जो कि किस तरीके का स्टेटमेंट होगा जिसमें कि दिया जाएगा कि कितना खर्चा होना है और कितना रिसिप्ट होगा हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस साल में। साथ ही दूसरी बात है कि यहाँ पे कोई भी डिमांड नहीं होगा ग्रांट का, जो कि आपका सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के तौर पे दिया जाएगा, तो उसको हटा के कोई भी यहाँ पे और कोई डिमांड नहीं होगा ग्रांट का। साथ ही यहाँ पे कोई भी मनी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ नहीं किया जाएगा, जो भी आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएशन जितना लॉ के द्वारा दिया गया है उसके अलावा नहीं किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे कोई भी मनी बिल जो है इम्पोज नहीं करेगी टैक्स, जो कि आपका पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा बिना आपके जो जितना प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया गया है बस उतना ही किया जाएगा, उसके अलावा नहीं। यहाँ पे कोई भी टैक्स जो है ना ही लगाया जाएगा ना ही कलेक्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट जो आपके अथॉरिटी ऑफ लॉ है। पार्लियामेंट की बात करें तो वो यहाँ पे रिड्यूस करते हैं साथ ही साथ एबॉलिश करते हैं जो टैक्स है, बट वो इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट के पास बस इतने ही हक है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिफाइन किया गया है कुछ रिलेटिव रोल्स और जो पोजीशन दोनों हाउसेस को दिया गया है, और यहाँ पे बजट को किस तरीके से इनैक्ट करना है ये भी दी गई है। तो एक मनी बिल और जो फाइनेंशियल बिल है वो यहाँ पे टैक्सेशन से वो आपका डील करती है, तो इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं करना है, ये हमेशा आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। दूसरी पॉइंट ये है कि राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो डिमांड फॉर ग्रांट में वोट कर सके। ये एक्सक्लूसिवली आपका प्रिविलेज दिया गया है लोकसभा को कि जब भी ग्रांट देना है किसी भी स्टेट को, यहाँ पे ग्रांट दिया जाता है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, तो उसके डिमांड के लिए जो वोट करना होता है ना वो आपका राज्यसभा में नहीं होगा, ये लोकसभा में ही होगा। थर्ड बात यह है कि राज्यसभा जो है ना मनी बिल को रिटर्न करेंगे लोकसभा को, लेकिन वो 14 डेज में ही करेंगे, और लोकसभा जो है या तो उनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, वो उन पर डिपेंड करता है। साथ ही यहाँ पे एस्टिमेट लगाया जाता है एक्सपेंडिचर का जो कि बजट में दिया जाता है, तो ये सेपरेटली रखा जाता है कि कितना एक्सपेंडिचर आपका जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगा और कितना जो है आपका कितना एक्सपेंडिचर जो है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में दिया जाएगा और उससे लिया जाएगा। जो आपका बजट है ना वो आपका डिस्टिंग्विश करता है एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू अकाउंट में दी जाती है दूसरी एक्सपेंडिचर से। साथ ही यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज किया जाता है, तो वो वोट ऑफ पार्लियामेंट के लिए यहाँ पे सबमिट नहीं की जाती है, इसको सिर्फ पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। ओके, तो आप देखते हैं कि एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो बजट में दो तरीके के एक्सपेंडिचर रखे गए, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, तो दो तरीके का है। एक है एक्सपेंडिचर जो कि चार्ज लगाया जाता है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और एक जो खर्चा आपका होता है यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपका खर्चा होता है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आपकी तिजोरी है, तो एक जो खर्चा इसमें लगाया जाता है यानी चार्ज किया जाता है, और एक जो है इससे लगाया जाता है। ओके, इससे चार्ज किया जाता है और एक इससे होता है, तो ये दो है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये चार्ज जो एक्सपेंडिचर खर्चा कैसे कैसे होता है तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे एक लिस्ट ऑफ चार्ज एक्सपेरिमेंट है, यानी किस किस केस में हम लोग कहेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो एक्सपेंडिचर है वो चार्ज हुआ है। ओके, चार्ज होना मतलब कि उसमें पैसा भर गया, इस तिजोरी में चार्ज हुआ है, यानी कि तिजोरी में जो अमाउंट है वो भर गई है। ओके, तो यहाँ सबसे पहला है कि इम्यूलमेंट और अलाउंस जो आपका प्रेसिडेंट को दिया जाता है, और कुछ और एक्सपेंडिचर जो कि आपका इस ऑफिस से रिलेटेड दिया जाता है। तो ये जो आपका खर्चा दिया जाता है प्रेसिडेंट को, तो ये सारी आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है। चार्ज मतलब भरना नहीं होता, चार्ज मतलब निकालना, कितना इससे पैसे निकल रहे, कितना चार्ज हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो किसको किसको पैसे जाते हैं ये देखते हैं। तो पहले प्रेसिडेंट को जाते हैं, उसके बाद सैलरी दी जाती है, अलाउंस दी जाती है जो हमारे चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा के। थर्ड है कि जो सैलरी दी जाती है, पेंशन और अलाउंस दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के जज को। फोर्थ है कि जो हाई कोर्ट के जज को यहाँ पे पेंशन दी जाती है वो भी हाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। फिफ्थ है कि जो सैलरी है अलाउंस और जो पेंशन है कैक को जाती है वो भी आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। साथ ही जो सैलरी है अलाउंस और जो पेंशन है चेयरमैन और मेंबर ऑफ जितने भी यूपीएससी के, तो उनको भी यहीं से जाती है। और सेवन्थ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो आपका सुप्रीम कोर्ट का होता है, जो ऑफिस है आपका कैक का और यूपीएससी का, जिसमें कि सैलरी है अलाउंस है पेंशन है, तो वो भी
कहीं से जाती है। उसके बाद जो डेट चार्ज किया जाता है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिएबल है, और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो गया, या फिर सिंकिंग फंड चार्जेस हो गया, फिर रिडेम्पशन चार्जेस है, या फिर दूसरी तरीके की एक्सपेंडिचर जो कि यहाँ पे लोन को रेज करती है और सर्विस को, और यहाँ पे डेट को कम करती है। तो वो सारी जो डेट के बदले जो हम लोग कर्जा लेते हैं, उसके बदले जो हम लोग को इंटरेस्ट चुकाना होता है, वो सब हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चुकाते हैं। कोई भी तरीके का सम जो कि ज़रूरत हो किसी भी जजमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, डिक्री करने के लिए, या कोई कोर्ट और ट्रिब्यूनल को यहाँ पे अवार्ड देना है, तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही देते हैं। साथ ही यहाँ पे कोई भी एक्सपेंडिचर जो भी पार्लियामेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया हो, तो वो हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देते हैं। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ इनेक्टमेंट। तो आपको समझ में आ गया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कितना कहाँ कहाँ चार्ज होता है। ओके, तो अब इनेक्टमेंट का हम लोग स्टेजेस देखते हैं कि यहाँ पे आपका 6 स्टेज दिया गया है पार्लियामेंट में, आपका बजट की पूरी प्रोसेस को। तो पहला जो है वो है आपका बजट को प्रेजेंट किया जाता है, दूसरा है कि यहाँ पे जनरल डिस्कशन होता है, थर्ड है कि स्क्रूटनी किया जाता है डिपार्टमेंटल कमिटीज़ के द्वारा, वो स्क्रूटनी करके देखते हैं कि बजट में क्या क्या चीज़ें सही है गलत है, फोर्थ है कि जो वोटिंग ऑन डिमांड होता है ग्रांट के लिए, फिफ्थ है कि अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, और सिक्स है कि यहाँ पे फाइनेंस बिल पास किया जाता है। तो ये जो आपका बजट का पूरा प्रोसेस है ना, इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं कि बजट की प्रोसेस किस तरीके से होती है, और स्टार्टिंग टू एंड हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है कि हमारे बजट को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, यानी जो बजट हमारा प्रेजेंट होता है वो दो पार्ट में होता है, एक तो रेलवे पार्ट में होता है, एक जनरल बजट होता है। तो ये होता था लेकिन आज नहीं होता है, तो दोनों चीज़ जो है ना आपका सेम प्रोसीजर से ही गवर्न होता है। जैसे आपका रेलवे बजट अगर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो जनरल बजट के साथ ही पहले ही किया जाता था, और जो आपका जनरल बजट है ना वो लोकसभा में यहाँ आपका रखा जाता था, रेलवे बजट आपका लोकसभा में रखा जाता था रेलवे मिनिस्टर के द्वारा, जो कि आपका 3rd week of February है, और जो आपका जनरल बजट है वो लोकसभा में रखा जाता था, वो भी आपका लास्ट वर्किंग डे में फरवरी के। लेकिन आज ये चेंज हो गया, आज देखते हो कि फर्स्ट ऑफ वीक में फरवरी में रखा जाता है जो आपका बजट होता है। ओके, और इकोनॉमिक सर्वे आपका लास्ट डे में आता है जो आपका जनवरी को होता है, और फर्स्ट जो डे होता है वो उसमें हम लोग 1st of February उसमें हम लोग बजट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये पहले की प्रोविजंस थी, लेकिन आपकी प्रोविजंस चेंज हो गई है, तो आपको अपडेट वर्जन भी बताती हूँ। पहले भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में क्या क्या होते आया है, किस तरीके से चेंजेस हुई है, तो आपको क्लियरिटी एक बनी रहेगी। फिनेंस मिनिस्टर जो है वहाँ पे जनरल बजट को रिप्रेजेंट करते थे, जिसको हम लोग बजट स्पीच कहते हैं, और स्पीच के एंड में लोकसभा में जो बजट है वो यहाँ पे राज्यसभा के सामने रखा जाता था, और सिर्फ इसमें आपका डिस्कस ही होता था राज्यसभा में, इसमें कोई भी पावर नहीं है कि वो वोट करे ग्रांट के लिए। तो ये पहली चीज़ है कि किस तरीके से प्रेजेंट की गई। सेकेंड है कि यहाँ पे जनरल डिस्कशन होता है, यानी जो जनरल डिस्कशन होती है बजट की, वो यहाँ पे आपका दूसरे दिन होता है, जिस दिन प्रेजेंट किया जाता है उसके दूसरे दिन यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आपका दोनों हाउसेस से होता है स्टार्ट, और यूजुअली ये 3-4 दिन तक चलता है। इस स्टेज में क्या होता है कि लोकसभा यहाँ पे डिस्कस करते हैं बजट को पूरी तरीके से, और कोई भी क्वेश्चंस जो इस प्रिंसिपल में इन्वॉल्व है वो भी यहाँ पे देखा जाता है, लेकिन कोई भी कट मोशन यहाँ पे मूव नहीं किया जाता है, और यहाँ पे आपका जो बजट है ना वो सबमिट होता है वोट ऑफ द हाउस, यानी बजट में डिस्कशन करने के बाद वोट करते हैं कि कितने मिनिस्टर इसके फेवर में है और किसके इसके अगेंस्ट में है। जो फिनेंस मिनिस्टर है उनके पास जनरल राइट है कि वो रिप्लाई करेंगे हर इन डिस्कशन के एंड में। थर्ड में आए तो यहाँ पे स्क्रूटनी की जाती है, जितने भी हमारे कमिटीज़ हैं उनके तरफ से देखा जाता है, यानी जनरल डिस्कशन के बाद जो बजट ओवर होती है तो हाउस एडजर्न हो जाता है 3 से 4 वीक के लिए, और उसके बाद इस गैप में क्या होता है कि 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट के, जो कि एग्जामिन करते और डिस्कस करते हैं डिटेल में कि क्या क्या यहाँ पे डिमांड फॉर ग्रांट रखा गया है कुछ कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के लिए, और रिपोर्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। फिर इस रिपोर्ट को आपका सबमिट किया जाता है दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में कि इसको कंसीडर किया जाए। फिर जो स्टैंडिंग कमेटी होते हैं सिस्टम के, वो यहाँ पे 1993 में इनको इस्टेब्लिश किया गया था, और पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल यहाँ पे बनाया जाता है मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर, जो कि यहाँ पे डिटेल में देखते हैं, क्लोज और इन डेप्थ और कॉम्प्रिहेंसिव वे में यहाँ पे एनालाइज करते हैं। फिर आपका फोर्थ स्टेज जो है कि वो वोटिंग ऑन डिमांड होता है ग्रांट के लिए, यानी अगर हम लोग डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में देखें तो लोकसभा यहाँ पे वोटिंग फॉर ग्रांट रखते हैं, यानी यहाँ पे डिमांड के लिए जो मिनिस्ट्री के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है तो उनके ऊपर वोट की जाती है, तभी सारे मिनिस्ट्री जितने मेजोरिटी में वोटिंग आती है उसी हिसाब से यहाँ पे वर्क होता है। तो एक जो डिमांड है ना, जो ग्रांट दिया जाता है, वो आपका वोट के द्वारा ही दिया जाता है। तो टू पॉइंट्स यहाँ पे है इस कंटेक्स्ट में, एक जो है कि आपका जो वोटिंग ऑफ डिमांड है ना ग्रांट के लिए, वो एक्सक्लूसिवली प्रिविलेज है लोकसभा, यानी ये राज्यसभा नहीं करती है, ग्रांट सिर्फ लोकसभा में होता है और राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे जो वोटिंग है ना वो कन्फाइन किया जाता है व्हाटएवर पार्ट जो कि आपका बजट का होता है, एक्सपेंडिचर जितनी भी आपका खर्चा चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, वो यहाँ पे वोट के द्वारा सबमिट नहीं किया जाता है। अगर जनरल बजट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 109 डिमांड होते हैं, 103 जो है वो सिविल एक्सपेंडिचर के लिए होते हैं, और 6 जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए होते हैं। रेलवे बजट में बात करें तो 32 डिमांड होते थे,
हर एक डिमांड जो है यहाँ पे अलग अलग वोट किया जाता था कि ये डिमांड सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं, कितने मेंबर इसके फेवर में है, किसके मेंबर इतने अगेंस्ट में है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछा जाता था। इस स्टेज के दौरान जो पार्लियामेंट के मेंबर है वो डिस्कस करते थे बजट को डिटेल में, और यहाँ पर आपका मूव हो सकता था एक मोशन जो कि इस डिमांड को कट करने के लिए होता है, और इस तरीके के मोशंस को हम लोग कट मोशन कहते हैं। कट मोशन की काट के हटा दो, यानी अगर यहाँ पर डिमांड रखा जा रहा है आपका कि इतना ग्रांट इस स्टेट को दिया जाएगा, यूपी को इतना 80% दिया जाएगा, बिहार को 20% दिया जाएगा, दिल्ली को 60% दिया जाएगा, तो ये जो ग्रांट है ना, अगर मेंबर को यहाँ पे लगता है कि नहीं इतना ग्रांट देना बेकार है, यानी यूपी को 80% ग्रांट क्यों दे, इसको 60% ही ग्रांट देना चाहिए, तो वो यहाँ पे वोटिंग करते हैं, और वोटिंग के हिसाब से वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे तय होती है। वोटिंग से नहीं हो पाई तो फिर क्या होता है कि कट मोशन पास किया जाता है। कट मोशन से क्या होता है कि गवर्नमेंट को ये इशारा दिया जाता है कि इतना जो खर्चा आप इस स्टेट में एलोकेट कर रहे हो ग्रांट के लिए, तो इसको कम किया जाए, थोड़ा सा काट दिया जाए। ओके, तो अब कट मोशन में भी बहुत अलग अलग तरीके का कट मोशन है, तो वो भी आप देख लीजिए। पहला है कि पॉलिसी कट मोशन, यानी यहाँ पे जो भी पॉलिसी रखा जाता है हर एक स्टेट में, तो अगर उनको लगता है कि नहीं इस स्टेट में इस पॉलिसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए, यानी पॉलिसी कट मोशन पास होता है पॉलिसी को कट करने के लिए। फिर सेकेंड है कि इकॉनमी कट मोशन, यानी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है इकॉनमी को कि वो अगर इस तरीके के खर्चे से अगर इकॉनमी हमारी पूरी इंडिया की इकॉनमी अगर अफेक्टेड होगी, तो इस तरीके के खर्चे को यहाँ पर कट कर दिया जाता है, और यहाँ पर डिमांड किया जाता है कि थोड़ा सा रिड्यूस कर दे या फिर इसको हटा दे। टोकन कट करेंसी है, यानी यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रीवियंस जो है वो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के अंदर, कि जो स्टेट है यहाँ पे आपका डिमांड रखा जाएगा कि 100 रुपीज़ से यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाए। तो अगर कट मोशन की बात करें तो इसको यहाँ पे फॉलोइंग जितनी भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना होगा, यानी ये आपका बस वन डिमांड से ही रिलेट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार कट मोशन अगर पास हो गया तो सिर्फ एक डिमांड ही होना चाहिए इस कट मोशन में, यानी एक ही चीज़ को कट करने के लिए बात करनी चाहिए, और यहाँ पे क्लियरली होना चाहिए कि क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और कोई भी आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी इसमें जो आपका कॉन्फ्लिक्ट वाला जो स्टेटमेंट होता है ना, वो यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं देना है। साथ ही यहाँ पे आपका जो कन्फाइंड होना चाहिए एक स्पेसिफिक मैटर से, अगर आप कट मोशन पास कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक मैटर होना चाहिए कि किस चीज़ से रिलेटेड यहाँ कट मोशन पास किया जा रहा है, और उसी में होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपका कोई भी सजेशन नहीं देना चाहिए कि क्या आपका रिपील करना है, कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ को रिपील करना है या फिर अमेंड करना है, तो इस तरीके का सजेशन नहीं देना है, सिर्फ कट करना है कि कट में क्या आपको रखना है वो बताना है। यहाँ पे कोई भी तरीके का आपका अमेंडमेंट से रिलेटेड या रिपील करने से रिलेटेड कोई भी सजेशन नहीं देना है। साथ ही यहाँ पे आपका कोई भी रेफर नहीं होना चाहिए उस मैटर को लेकर जो कि यहाँ पे प्राइमरली आपका कंसर्न जो यूनियन गवर्नमेंट का है उसका कंसर्न में ना हो, तो वो वाला आपका मैटर रेफर नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपका रिलेट नहीं होना चाहिए जो भी आपका एक्सपेंडिचर चार्ज हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इससे भी रिलेटेड आपका कट मोशन पास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपका कोई भी मैटर से रिलेट नहीं होना चाहिए जो कि एडजुडिकेशंस होना चाहिए कोर्ट के द्वारा, यानी कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, कोर्ट के द्वारा जो भी यहाँ पे जुरिस्डिक्शंस दी जाती है वो सारी चीज़ों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे प्रिविलेज जो एक स्पेशल तरीके का आपको लोकसभा के मेंबर्स को यहाँ पे प्रिविलेज दिया जाता है, राज्यसभा के मेंबर को भी प्रिविलेज दिया जाता है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे रेज नहीं करना है। साथ ही यहाँ पे आपका जो है कोई भी डिसीजन को रिवाइव करने के लिए यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए कोई भी मैटर इससे रिलेटेड। साथ ही यहाँ पे आपका कोई भी ट्राइबल मैटर से रिलेटेड कोई भी आपका यहाँ पे रिलेट नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका जो है कट मोशन पास होगा। तो ये सारी प्रोविज़न है जिससे रिलेटेड कि कट मोशन नहीं पास होना चाहिए या फिर पास होना चाहिए। तो अब कट मोशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये देख लेते हैं। ये एक इनिशिएशन देती है कोई भी कंसंट्रेटेड डिस्कशन के लिए कि एक स्पेसिफिक डिमांड होना चाहिए ग्रांट का। तो ग्रांट अगर दिया जाता है हर एक स्टेट को, तो उसमें डिमांड जो होती है ना, वो एक स्पेसिफिक डिमांड के लिए इसको लाया गया है कि अगर कोई मिनिस्टर कोई भी मेंबर यहाँ पर अग्री नहीं है, वो कुछ चाहते हैं यहाँ पर आपका कट करने का, तो वो यहाँ पे आराम से दे सकते हैं। साथ ही जो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका गवर्नमेंट का है ना, वो यहाँ पे अपहोल्ड होती है, जिसमें कि जो भी एक्टिविटीज़ होती है गवर्नमेंट को उसको अच्छे से चेकआउट किया जाता है। कट मोशंस जो है ना यहाँ पे अपने प्रैक्टिस में यूटिलिटी नहीं देती है, लेकिन हाँ ये ओनली मूव किया जाता है और डिस्कस किया जाता है हाउस में, बट इसको पास नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के इंजॉय या मेजोरिटी सपोर्ट ये वगैरह वगैरह से। ओके, बस इसको यहाँ पे आराम से इसको कट मोशन दे दिया था, तो कट मोशन दे दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। तो मैं इसको पूरी तरीके से डिस्कस की थी, तो आई होप कि आप लोग ने वो वीडियो देखा होगा जिससे आपको क्लियरिटी ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे जो इसके पासेज होती है ना, तो लोकसभा अमाउंट से पास होती है, जो कि यहाँ पे एक्सप्रेशन देती है कि हाँ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस क्या चाहती है ये शो होता है। अगर टोटल आप देखोगे तो 26 डेज यहाँ पे अलॉट की जाती है वोटिंग ऑफ डिमांड के लिए। लास्ट डे में स्पीकर यहाँ पे जितनी भी रिमेनिंग डिमांड होती है ना वोट के लिए, वो रखती है और यहाँ पे डिस्पोज करती है कि वो यहाँ पे इसको डिस्कस करेगी या नहीं करेगी। तो इसको गिलोटिन कहते हैं, यानी कि सारी डिस्कशन हो गई है, जितनी भी बजट में जो भी बात रखी गई है सारी डिस्कशन हो गई है,
लेकिन कुछ ऐसी डिमांड, कुछ ऐसी बात अभी भी रह गई है डिस्कस करने के लिए, तो वो यहाँ पे आपका लोगों के सामने रखा जाता है कि इतना रिमेनिंग डिमांड है वोट करने के लिए, तो क्या इसको डिस्कस करना है या नहीं करना है, मेंबर के हिसाब से यहाँ पे आपका चूज़ किया जाता है, तो इसको गिलेटिन बोलते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग फिफ्थ स्टेज में, जो कि यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल को पास किया जाता है। तो इसको क्यों पास किया जाता है और इससे क्या इंपॉर्टेंट होती है ये देखते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे कहती है कि कोई भी मनी जो है यहाँ पे विड्रॉ नहीं होगा कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया से, एक्सेप्ट जो आपका अप्रोप्रिएशन जो लॉ के द्वारा बनाया जाएगा, यानी कि जितना भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी जो तिजोरी से यहाँ पैसा निकाला जाता है या फिर इसमें जो चार्ज किया जाता है या फिर इससे पैसा निकाला जाता है, तो वो सब कुछ बिना यहाँ पे अप्रोप्रिएशन के बिना नहीं होगा। जो भी लॉ के हिसाब से यहाँ पे बनाया जाएगा उसी के हिसाब से होगा। अगर अप्रोप्रिएशन बिल देखे तो ये इंट्रोड्यूस किया जाता है अप्रोप्रिएशन के लिए, जो कि आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रहता है और यहाँ पे मनी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे मीट की जाती है, यानी सारी ज़रूरतें यहाँ पे रहती है। जो भी ग्रांट यहाँ पे लोकसभा के द्वारा वोट किया जाता है, और सेकंड बात है कि जो भी एक्सपेंडिचर यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज की जाती है, यानी जो भी खर्चा होगा या फिर जो भी यहाँ पे ग्रांट वोट किया जाएगा लोकसभा के हिसाब से, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की रिलेटेड होगी। तो इस तरीके का कोई भी अमेंडमेंट जो है प्रपोज नहीं किया जाएगा अप्रोप्रिएशन बिल को लेकर, ना ही या कोई भी हाउस में। ओके, और ना ही इसकी इफेक्ट जो है वो वैरी करेगी कोई भी अमाउंट को लेकर। तो ये जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो आपका अप्रोप्रिएशन एक्ट तभी बनेगा जब ये इसको प्रेसिडेंट से हामी मिल जाएगी। जब ये प्रेसिडेंट इसको पास कर देंगे, साइन कर देंगे, तब एक अप्रोप्रिएशन बिल आपका अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा, और ये एक्ट ऑथराइज़ करेगा पेमेंट के लिए जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर सकती है मनी जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करती है, तब तक जब तक ये आपका अप्रोप्रिएशन बिल इनएक्ट नहीं हो जाता, जब तक ये अप्रोप्रिएशन बिल आपका एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट क्या गवर्नमेंट यहाँ पे आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी नहीं निकाल सकती। यहाँ पे टाइम दिया जाता है और ये आपका जो है अप्रैल के एंड तक होता है, तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो मनी यहाँ पे ले, क्योंकि डे बाई डे की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें मनी की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है। तो 31 मार्च के बाद से जो यहाँ पे पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो आपका कैसे किया जाता है, तो इस तरीके के फंक्शनल की डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे ऑथराइज़ किया गया है लोकसभा को कि वहाँ पे एक ग्रांट दे एडवांस में, जिसमें कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होना चाहिए और ये आपका फिनेंशियल ईयर का ही पार्ट होना चाहिए, यानी कि फिनेंशियल ईयर एक साल के अंदर जितना खर्चा करना है, तो एक साल के अंदर जो है यहाँ पे 2 महीने के लिए टेम्प्ररी बेसिस पे गवर्नमेंट को एक तरीके का यहाँ पे ग्रांट देना चाहिए कि वो इतने खर्चे में ही वो अपना सारा खर्चा निकाल ले 2 महीने के अंदर, जब तक यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल आपका एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तो तब तक। तो आप देखते हो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में ही यहाँ पे आपका बजट आ जाता है, तो 1 महीने लगता है बजट को डिस्कस होने में और अप्रोप्रिएशन बिल को पास होने में। तो यहाँ पे फरवरी से लेके मार्च अप्रैल यानी अप्रैल के एंड तक यहाँ पे पास होता है और ये एक्ट बनता है, तो 2 महीने जो है गवर्नमेंट को यहाँ पे खर्चा करना होता है, तो खर्चा करने के लिए यहाँ पे एक ग्रांट दिया जाता है, और ये जो प्रोविज़न होता है ये वोट ऑन अकाउंट का होता है, यानी पार्लियामेंट के मेंबर यहाँ पे डिसाइड करते हैं, उनको वोट दिया जाता है कि वो कितना ग्रांट यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं। तो अब आते हैं हम लोग सिक्स पार्ट में, सिक्स स्टेज में, जो कि है पासिंग ऑफ फिनेंशियल बिल। तो फिनेंशियल बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसके कि हम लोग फिनेंशियल प्रपोजल देख पाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और ये उसी साल के लिए होता है। तो यहाँ पे सारे कंडीशन रखा जाता है जैसे कि आपका एप्लीकेबल हो मनी बिल के लिए भी, अनलाइक जैसे कि अप्रोप्रिएशन बिल होती है उस तरीके का नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट जो है यहाँ पे किया जा सकता है फिनेंशियल बिल के केस में। अगर हम लोग प्रोविजंस देखें, प्रोविजनल कलेक्शंस ऑफ टैक्स एक्ट जो कि 1931 की है, तो फिनेंस एक्ट बिल जो भी जो है वो इनेक्ट किया जाता है 75 डेज़ के अंडर में। फिनेंस एक्ट जो है वो लीगलाइज होता है कि इनकम साइड देखा जाता है आपका बजट का, और कंप्लीट किया जाता है प्रोसेस जो भी आपके बजट के इनैक्टमेंट की होती। तो ये 6 स्टेज है जिसमें कि आपका बजट पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इसके साथ ही कुछ ग्रांट भी है जो कि और भी ग्रांट है जो कि दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो सारे ग्रांट भी देख लेते हैं। अगर हम लोग बजट की तरफ से देखें तो जो जिसमें कंटेन है कुछ आपका ऑर्डिनरी एस्टिमेट जो कि इनकम होना चाहिए, एक्सपेंडिचर होना चाहिए एक फिनेंशियल ईयर में, यानी बजट में आपका एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप भी अपने एक साल का बजट बनाते होंगे ना, एक महीने का भी आप बजट बनाते होंगे कि अगर घर से आपको पैसे आ रहे हैं या फिर आप खुद अर्न कर रहे हो तो कितना आपको खर्च करना है, कितना आपको सेव करना है, तो बस वही बजट होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट होती है। सप्लीमेंट्री ग्रांट देखें तो ये एक तरीके का ग्रांट होता है जो कि तब दिया जाता है जब यहाँ पे अमाउंट ऑथराइज़ किया जाता है पार्लियामेंट की तरफ से, और ये अप्रोप्रिएशन एक्ट में होता है कोई भी पर्टिकुलर सर्विस के लिए जो भी अभी चल रहा है करेंट फिनेंशियल ईयर में, और ये बाउंड है कि इनसफिशियंट होगा उस ईयर के लिए। यानी जैसे कि मान लीजिए नबार्ड, तो नबार्ड के लिए हर साल यहाँ पर बढ़ाया जाता है, तो अगर मान लीजिए कि इस साल अगर
2017-18 में जो ये नबार्ड चल रही थी, अभी 18-19 में भी चलेगी, अभी 19-20 में भी चलेगी। तो इसमें क्या होगा कि हर साल इसके एलोकेशंस को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि देखा जाए कि पिछले साल जो इसमें एलोकेशन दिया गया था वो यहाँ पे इतना काफ़ी नहीं है कि उस एलोकेशन से अभी और आगे काम हो, तो और एलोकेशन देना होगा, तो और अमाउंट देना होगा, तो और भी अमाउंट जो इसमें डाला जाता है किसी भी पर्टिकुलर सर्विस के लिए, तो उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट देते हैं। उसके बाद एडिशनल ग्रांट होती है, वो इस तरीके का ग्रांट होती है जब यहाँ पे ज़रूरत होगा कि अगर करेंट फिनेंशियल ईयर में कोई भी एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होगा, तो वो कुछ न्यू सर्विस में आपका होगा, ना कि कंप्लीट होगा, कि आपका कंप्लीटेड इन द बजट होगा उस साल के लिए। यानी कि जब भी यहाँ पे एडिशनल खर्चा होगा किसी भी ज़रूरत के समय, जैसे आप देखते हो ना कि आप कुछ भी एक महीने का बनाते होगे, लेकिन कभी एक टाइम ऐसा होता होगा कि एडिशनल खर्चा हो जाता होता होगा आपका, कोई भी न्यू सर्विस के लिए कोई न्यू काम आ गया, आपका कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बीमार हो गया, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, या फिर कहीं पार्टी शार्टी हो गई, आपका बर्थडे आ गया, या फिर दोस्त की बर्थडे आ गई, तो सब में आपका जो है पैसा थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, जिसमें कि एडिशनल ग्रांट देना पड़ता है। ये एडिशनल ग्रांट हो गया। फिर होती है एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट क्या होती है कि जब मनी यहाँ पे आपका किसी भी सर्विस में बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेंड किया जा रहा है उसी फिनेंशियल ईयर में, जो कि एक्सेस है उस अमाउंट का, जितना भी ग्रांट किया गया है वो उतना एक्सेस है, तो उस फिनेंशियल ईयर के थ्रू समझ से जो आपका पॉलिसी के लिए जो आपका पैसा दिया गया है वो एक्सेस है, तो इसको हम लोग एक्सेस ग्रांट देते हैं। और ये वोट किया जाता है लोकसभा के द्वारा उसी फिनेंशियल ईयर के बाद, और ये आपका जब डिमांड देखा जाता है ना, डिमांड से पहले जब एक्सेस ग्रांट दिया जाता है लोकसभा में, तो डिमांड से पहले जो है यहाँ पे वोटिंग होती है, फिर इसको अप्रूव कराना होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी से, जो कि पार्लियामेंट की होती है। तो एक्सेस जो पैसा दे दिया जाता है किसी भी सर्विस के लिए जितना उसको ज़रूरत नहीं होता, तो उसको एक्सेस ग्रांट कहते हैं। फिर वोट ऑफ क्रेडिट होती है, ये आपका ग्रांटेड किया जाता है जब यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड डिमांड देखने को मिलता है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया में, यानी इंडिया में इतनी सारी रिसोर्सेज है लेकिन उसकी डिमांड कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ पे आपका ऑन अकाउंट जो है इंडेफिनिट कैरेक्टर के लिए, यानी उस सर्विस के इंडेफिनिट कैरेक्टर के लिए यहाँ पे डिमांड आपका जो है स्टेट नहीं किया जा सकता है, जो भी आपका डिटेल ऑर्डिनरी दिया जाता है बजट में। तो ये आपका जो है ना ब्लैंक चेक की तरीके से होता है, जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है लोकसभा के द्वारा, यानी वोट ऑन अकाउंट जब यहाँ पे ज़रूरत होता है या फिर अनएक्सपेक्टेड डिमांड होती है किसी भी चीज़ की, तब उसको वोट करके उस क्रेडिट को दिया जाता है। एक्सेप्शनल क्रेडिट भी होती है कुछ, यानी कि ये आपका स्पेशल पर्पस के लिए होता है, या फिर यहाँ पे आपका कोई भी पार्ट नहीं होता है करेंट सर्विस के लिए कोई भी फिनेंशियल ईयर में। टोकन ग्रांट की बात करें तो ये आपका एक तरीके का ग्रांट होता है जब फंड जो है किसी भी प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ पे दिया जाता है, जो भी आपका न्यू सर्विस हो, और ये अवेलेबल कराया जाता है री अप्रोप्रिएशन के थ्रू, यानी री अप्रोप्रिएशन बिल जो है यहाँ फिर से पास होता है, और फिर से जो है न्यू अगर यहाँ पे खर्चा करना हो कोई भी प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर हो तो उसके लिए यहाँ पे करना होता है। ये जो डिमांड आपका दिया जाता है ये टोकन सम होता है, यानी एक रुपीज़ का आप मान लो, और ये सबमिट किया जाता है वोट करने के लिए, यानी लोकसभा में मेंबर यहाँ पे वोट करते हैं, अगर इसको असेंड कर दिया गया तभी यहाँ पे फंड अवेलेबल होता है। री अप्रोप्रिएशन में आपका ट्रांसफर ऑफ फंड होता है, यानी वन हेड से आपका दूसरे हेड को यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, और यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है किसी भी एडिशनल एक्सपेंडिचर का। सप्लीमेंट्री हो, एडिशनल हो, एक्सेस हो, एक्सेप्शनल ग्रांट हो, या वोट ऑफ क्रेडिट हो, ये रेगुलेट किया जाता है सेम प्रोसीजर से जो कि एप्लीकेबल है आपका रेगुलर बजट में। ओके, तो ये इतनी सारी तरीके की ग्रांट होती है, तो आप कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैं एग्जांपल देके आपको यहाँ पे बताई हूँ। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि कल हम लोग फंड स्टार्ट करेंगे, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, और आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, और पब्लिक अकाउंट है, तीनों में डिफरेंस क्या है, और इसमें सरकार किस तरीके से पैसे लेती है, देती है, कहाँ जाता है, नहीं आता है। ओके, तो ये आपका देखिए पॉलिटी क्या है ना, कि अगर आप नहीं भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री की सरकार क्या काम करती है, और उस कंट्री में पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है, हमारा जो बजट प्रस्तुत होता है तो बजट किस पर्पज़ से होता है, तो कुछ तो आपको मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये आपका जनरल नॉलेज भी इन्हेंस करता है। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही रखती हूँ, और कल फिर मैं फंड लेकर आऊँगी। ओके, तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, साथ ही मेरे अनअकैडमी को भी आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको अच्छे अच्छे लेसन्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो कमेंट करना ना भूले, और मेरे चैनल को तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लिए होंगे। थैंक यू।